साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए NIOS क्लास 10th उर्दू में समाजी साइंस यानी सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, क्या क्या आता है इसमें, वह आज सारा बताऊँगा। यहाँ आप अपना डे एंड डेट डाल देंगे जिस दिन एग्ज़ाम होगा, और ये इंस्ट्रक्शन है। उर्दू में भी आगे इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या बात की गई है सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि पहले सफ़े पर अपना रोल नंबर लिखें और सवाल नंबर जांचने के तमाम सफात और सवालात की उतनी तादाद है जितने पहले सफ़े पर ऊपर छपी है, इस बात की भी जाँच करेंगे सवालात सीरीज़ में। तालिब इल्म को ए बी सी डी में से कोई एक जवाब मुंतखब करना है और दिए गए जवाब नामे में सही जवाब लिखें। इसमें क्लिक टिक मत कर देना, कॉपी में भी लिखना। मारूजी सवाल के साथ साथ सभी सवाल के जवाब दिए गए वक्त के अंदर देने। मारूजी सवाल के लिए अलग से वक्त नहीं दिया जाए। तालिब इल्म जवाबी कॉपी में रोल नंबर के अलावा कोई पहचान का निशान या कोई हिदायत लिखते हैं तो उसे इम्तहान से खारिज कर दें। अपने सवाल नामे पर सवाल नामे कोड लिखें। पर्चा सवालात बेक वक्त दो जबानों में फराम किया, शको शुबा की बुनियाद पर इंग्लिश वर्जन को ही मोतबर मानना चाहिए। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम इसको। ये जो है किस तरह से आएगा और क्या इसका प्रोसीजर है यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ये 3 घंटे का वक्त मिलेगा 100 नंबर। ठीक है, और सबसे पहले ये सवाल दिया गया है कि मंदरजा ज़ेल में से कौन सा वेद सबसे पहले लिखा गया। ऋग्वेद, इसका जवाब है ऋग्वेद। इसके बाद अगला सवाल है कि मंदरजा ज़ेल बयानात में से कौन सा बयान इस्तिलाह फरमा रवि को जाहिर करता है। ठीक है, फरमा रवाई को जाहिर करता है। सरबराह मुमलकत हेड ऑफ स्टेट इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब शख्सियत। अगला सवाल है मंदरजा ज़ेल में से कौन से माहौल की कुदरती अज्जा से मुंसलिक है। कौन सी चीज़ें जो फ़ज़ा यानी फ़िज़ा एटमॉस्फेयर जो है वो कुदरती से मुंसलिक। मंदरजा ज़ेल में से माहौल की हयाती जुज की निशानदेही कीजिए। आबो हवा जो है हयात है, ज़िंदगी है। ये थे हमारे सवालात, लेकिन अब बड़े सवालात शुरू हो रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे ये कि किन्हीं दो ऐसी तालीमात यानी टीचिंग्स की वजाहत करिए जो गौतम बुद्ध की 4 अशर्फ सदाकतों को में शामिल है। ठीक है, तो वो 4 चीज़ें क्या हैं जो उनकी सदाकतों में शामिल हैं। तो इसका जवाब मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। 4 उनकी जो सदाकतें ये हैं, दुनिया दुखों से भरी हुई है, ख्वाहिश तराशना उन दुख की वजह है, अगर ख्वाहिश पर फतह हासिल कर ली तो सभी दुख को दूर किया जा सकता है। इन 8 हिस्सों पर मुश्तमिल 10 ज़ेल राह अख्तियार करके अंजाम दिए जा सकते हैं जो इसमें शामिल हैं। सही याददाश्त, सही मकसद, सही कलाम, सही अमल, सही ज़राए माज, सही कोशिश, सही याददाश्त, सही मराकबा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप इसमें। सवाल नंबर 6 है मेरा, माहौलियाती निज़ाम यानी इकोसिस्टम इंसानों से कैसे मुतासिर होता है, किसी एक मिसाल की मदद से समझाएं। तो इसका जवाब भी मैंने आपके लिए निकाल के रखा है। ये देखिए, थोड़ा सा इसे हल्का सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। हयातियाती निज़ाम जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मुख्तसर शक्ल है। हयातियाती सुनो या हयातियाती दोनों एक इस्तिलाह है जिसमें तभी माहौल की मुख्तलिफ अज्जा मिट्टी और पानी शामिल है। सादा इस्तिलाह में हयातियाती दोनों किसी हिस्से का जिन्स स्पाइसेस और माहौलियाती इकोसिस्टम की कुल तादाद शामिल है। ये सारी बातें आप इसके सवाल के जवाब में लिख सकते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है इसके अंदर कि ऐसे 2 दफ़ात की वजाहत कीजिए
जिसके ज़रिए आइन में शहरियों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ हक़ की गारंटी दी गई। तो शहरियों को आइन के आर्टिकल 22, 23 और 24 के ज़रिए इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ हक़ की ज़मानत दी गई। इस्तेहसाल कहते हैं किसे? इस्तेहसाल कहते हैं कि मजबूरी का फ़ायदा उठा। पहला ये कि इंसानों की तिजारत नहीं होगी, बंधवा मजदूरी की ममानियत होगी। इसमें से कोई खिलाफ वर्जी कानून के मुताबिक काबिल सज़ा जुर्म। फैक्ट्री वगैरह में बच्चों को रोज़गार की ममानियत। अगला सवाल है कि गरीबी को जमहूरियत की सबसे बड़ी आफत यानी बैन क्यों समझा जाता है, वजाहत कीजिए। ठीक है, तो इसका जवाब है, देखिए इसका जवाब मैंने जो है लिख लिया था ताकि आपका समझ। आमतौर पर यह कहा जाता है कि एक भूखे शख्स के लिए वोट के हक़ की कोई मतलब नहीं, उसकी सबसे पहली ज़रूरत है खाना। इसलिए गुर्बत को जमहूरियत की ज़बरदस्त नहुसत यानी आफत समझा जाता है। दर हकीकत ये हर तरह की महरूमियों और अदम मसावात की असल जड़ है। 1990 की दहाई में गरीब गैर ग़िज़ाई मादे जैसे कपड़े, रोज़गार, रिहाइश, तालीम वगैरह को गुर्बत की तारीफ में शामिल किया। असरी मरहले में गुर्बत के हकूक़ को मुनज़्ज़म महरूमी के साथ जोड़ा गया। इसी वजह से गरीबी को जमहूरियत की सबसे बड़ी आफत बैन समझा जाता है। तो आप ये लिख देंगे इसमें। इसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, कि यूरोप में 10वीं सदी के बाद जागीरदाना यानी इक्तसादियत फ्यूंडल इकोनॉमी की क्या कई मुख्तलिफ तब्दीलियाँ बयान की थी। तो इसका जवाब भी मैंने जो है आपके लिए निकाल के रखा है। इसका जवाब जो है तब्दीलियाँ क्या थी, तो ये है यहाँ पे इसका जवाब, यहाँ से आप देख सकते हैं। जागीरदारा निज़ाम नहीं रहा, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया ताकि लोग आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। जवाल के बाद कुछ सदियों के दौर की निशानदही माशी ज़िंदगी की एक कम सतह के तौर पर देखी जाती है। ठीक है, ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इनमें से भी आप पॉइंट देख लीजिएगा, इसमें से भी आप लिख सकते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, के फ्रांसीसी इनकलाब के अहम नुकात बयान कीजिए कि फ्रांसीसी इनकलाब क्या है। तो इसका जवाब भी मैंने आपके लिए निकाल लिया है। फ्रांसीसी इनकलाब के अहम नुकात क्या है? तो अहम नुकात जो हैं फ्रांसीसी इनकलाब के, वो ये हैं कि नए टैक्स कानून के ज़रिए मंजूरी हासिल करना है चाहते थे। तीसरे तबके ने नए टैक्स कारी में मसावात और पहले दो ताल्लुकों के ज़रिए इस्तिफादा की जाने वाली अमरात को खात्मे का मुतालबा किया। उसने ख़ुद को नेशनल असम्बली गए और बादशाह का इकतदार आला हासिल कर लिया। ये सारी बातें आप इसमें लिख देंगे। अवाम के इकतदार और आज़ादी की जायदाद तहफ़ का हक, तालीम का हक, बोलने का हक, इत्तला करने का हक, गरीबों को सरकारी मदद का हक, तशद्दुद और ग़ुलामी पर पाबंदी, अवाम को अपनी हुकूमत चुनने का हक की मंजूरी वगैरह हुई, जिसकी वजह से 1979 में शुरू हुआ, 15 साल तक चला और नतीजन में फ्रांसीसी इनकलाब के अधिवस्ती की साख्ते चिरमिरा गई और लिबरलिज्म और कौम परस्ती के नए तस्वुरात रोशन हुए। सारी बातें आप इसके जवाब में लिख सकते हैं। इसके बाद जो है अगला सवाल है, सवाल नंबर 11, इक्तिसादी मैदान में सनअती इनकलाब के मुस्बत असरात बयान कीजिए। इसका भी जवाब मैंने आपके लिए निकाल लिया। सनअती इनकलाब के असरात, अवाम को शहरों की तरफ नकल व अमल करने का मौका मिला और एक शहरी समाज पैदा हुआ।
वर्कर अब वर्कशॉप फैक्ट्रियों के करीब रहने लगे जहाँ उन्हें रोजगार के मौके दस्तियाब हुए, लेकिन फैक्ट्रियों में काम करने की हालत ठीक नहीं थी। उनके अलावा रहने के मकान एक जाने से है और मुतालिक सूरत हाल खस्ता थी। वो फैक्ट्री के मालिकों को बस मुनाफा कमाने से गरज था। ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख देंगे। अगला सवाल है कि 1600 में अंग्रेज़ों के ज़रिए हिंदुस्तान के साथ तजारत को कंट्रोल करने के लिए अख्तियार किए गए मुख्तलिफ तरीके बयान कीजिए। तो जो मुख्तलिफ तरीके हैं वो भी मैंने यहाँ निकाल लिए, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई। ठीक है, और तजारत के तरीके उनके देख तजारत के ज़रिए आए थे और उन्होंने पूरी फैक्ट्री लगा ली और फिर पूरा जो है कब्ज़ा फोर्स भी लगा ली, और ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं अगले पेज पे भी। ठीक है, उसके बाद है राजा राम मोहन राय 13वां का ये तौर समाजी मजहबी इस्लाहकार रोल की वजाहत कीजिए। ठीक है, तो इसका जवाब भी मैंने निकाल लिया आपके लिए। राजा राम मोहन राय ने देखा जाए तो बहुत अच्छा, मतलब जो सती की रस्म थी उसका खात्मा करा था। किताबों के वो जो है बंगाल फैमिली में पैदा हुआ, मुतअद्दिद ज़माने में उन्होंने हिंदू मजहबी किताबों के साथ साथ कुरान बाइबल और इन सब चीज़ों का गहरा, उन्होंने अपने भाई की बेवा को दरकस जैसी सती हुई के लिए मजबूर किया गया था। जज्बात दौरान का गहरा असर उन पर पड़ा और उन्होंने इसको रिवाज को जड़ से ख़त्म करने का, और ये सारी बातें उनके बारे में आप लिख सकते हैं कि उन्होंने जो है कैसे इस चीज़ों को ख़त्म किया, ये भी और इसमें से भी आप देख लीजिए। इसके बाद अगला है कि बरतानवी पॉलिसियों की वजह से किसानों को कुछ बगावत क्यों हुई, वजाहत करें। ठीक है, तो इसका जवाब जो है इसका जवाब भी मैंने निकाल दिया था। किसान बगावत, ठीक है, हिंदुस्तानी किसानों के ख़राब असरात पड़े। नौबादियाती बंदोबस्त ने नौबादियात समझते हैं जो अब नए नए इलाकों पर कब्ज़ा कर, इस वक्त अदायगी ना होने की सूरत में उनकी ज़मीन को फरोख्त कर दिया जाता था और ज़मींदारों को फसल ना होने की सूरत में भी किसानों से रकम वसूल करने मजबूर करना पड़ता था। ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं, और भी लिख लेना भाई ये सारी चीज़ें। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान की मकामी अहमियत को वाजे करें, हिंदुस्तान की मकामी अहमियत को वाजे करें। 15वां क्वेश्चन है, ठीक है, तो हिंदुस्तान की मकामी अहमियत यहाँ पे आप देख सकते हैं। मशरक़ी और मगरबी एशिया के दरमियान मरकज़ी निज़ाम मकाम रखता है। हिंदुस्तान एशिया बर आज़म को जुनूब की तरफ फैला हुआ है। तजारती समुद्री रास्ते मगरब में यूरोप के ममालिक और मशरक़ी एशिया के ममालिक को जोड़ते हैं। इस तरह हिंदुस्तान को जोग्राफियाई सियासी फ़ायदा हासिल होता है। तो इसका जवाब था। अगला है कि अमी काश्त और वसी काश्तकारी में फ़र्क वाजे कीजिए, इसका भी जवाब मैंने निकाल रखा। ठीक है, हर सवाल का जवाब। देखिए यहाँ पे अमीक कहते हैं बड़ी काश्त, अमीक खेती, महदूद और फैली, इन दोनों काश्त के बुनियादी फर्क ज़मीन का पर यूनिट का है। ठीक है, अमीक खेती के दरमियान जो है पर यूनिट का, जो अमीक खेती होती है उसमें जो है इंसान एक बड़े टुकड़े पे काश्तकारी करता है। ठीक है, और जो दूसरा है यानी वसी अमीक काश्तकारी, और वसी अमीक होता है जो छोटे छोटे हिस्से पे करता है, और जो वसी होता है वो बड़े हिस्से पे करता है जिसमें पैदा भी करता है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, ये सारी बात है। इसके बाद जो अगला सवाल आ जाता है यानी 17वां, ठीक है, ये कि हिंदुस्तान में बारिश की तकसीम इंतहाई
गैर हमवारे मंदरजा बाला बयान की मिसालें पेश कीजिए। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो है बहुत नामवार है, तो इसको मिसालों से हम इसे पेश करते हैं। बारिश की तकसीम, बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तान के इलाकों में, मरकजी हिंदुस्तान में बारिश की मकदार कम होती है। हिंदुस्तान की जजीरे के अंदरूनी में बारिश की कम और बुलंदी के साथ साथ बारिश की मकदार बढ़ती है, ये सारी बात। ज़्यादातर बारिश 200 सेंटीमीटर वाले इलाके में होती है। मशरकी इलाके, हिमालयाई, मेघालय इस इलाकों में होती है। इसके बाद है मुतअद्दिल बारिश का इलाका, जहाँ पे हिंदुस्तान में 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। और इसी तरह कम बारिश वाले इलाके राजस्थानी होते हैं, ना काफ़ी बारिश वाले इलाके मगरबी हिस्से, गुजरात, लद्दाख, ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं, जो कि ना गैर अम्बार की अलामत। इसके बाद है चार ऐसी रहनुमाई उसूल बताएं जो समाजी, इक्तिसादी और मसावात को बढ़ावा देते हैं। तो इसका जवाब जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, और देखिए इसका जवाब बड़ा है। रोज़गार के तकरीबन तमाम मैदानों कम अज़ कम उजरत पर, ये चार ऐसे रहनुमाई उसूल बताएं जो समाजी का मसावात को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, एकता को समाजी और रोज़गार के तकरीबन तमाम मैदानों कम अज़ कम उजरतें मुकर्रर की जाएँ। मर्द और दोनों को मसावी काम के लिए मसावी, यानी एक जैसे काम के लिए एक जैसे, औरतों को कम नहीं, मर्दों को ज़्यादा नहीं। रियासत को 14 साल तक के बच्चों को लाजमी मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए कदम उठाने की हिदायत। रियासत की दौलत को तकसीम इस तरह करना चाहिए, दौलत कुछ हाथों में ना सिमट जाए। ये सारी बात 18वें सवाल के जवाब में लिख दी। इसके बाद है 19वां सवाल, ग्राम पंचायत की आमदनी के चार काम, चार ज़राए बयान कीजिए। तो इसका जवाब है, ग्राम पंचायत की आमदनी के चार ज़राए, ज़मीन, जायदाद, सामान और मवेशी पर टैक्स, बारात घर या कोई दीगर पंचायत की जायदाद जैसे सहूलियात के लिए हासिल किया जाने वाला किराया, जुर्म करने वाले से जमा किए गए जुर्माने की मुख्तलिफ अकसाम, रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत से हासिल माली इमदाद, ये इसके क्या हैं आमदनी के ज़राए। अगला सवाल है, गवर्नर के इंतज़ामी हुकूक और कानून साजी हुकूक की वजाहत, दो हकूक बताने, एक तो इंतज़ामी हकूक और एक कानून साजी हकूक। तो इसका जवाब भी मैंने निकाल लिया। तो गवर्नर के इंतज़ामी हकूक और कानून साजी हकूक दर्ज है। पहला है, हर काम अहदे के साथ इख्तियार से वाबस्ता है। गवर्नर के अख्तियार आइन के जरिए अता किए गए हैं, जो रियासत के एक सरबरा की हैसियत से अपने कामों को मौसर तौर पर अंजाम देने का अहल बनता है। इख्तियार दर्ज ज़ेल है, आमला इख्तियार, कानून साजी इख्तियार, मालियाती है। यहाँ हम सिर्फ इंतज़ामी हकूक के बारे में बात करें। आमले इख्तियार यानी इंतज़ामी हकूक आइन का गवर्नर को रियासत के सारे इंतज़ामी इख्तियार अदा करता है, जो उनके कामों को रवानी काउंसिल के सिला मशवरे और उनकी मदद से अंजाम, जिसका सरबरा वज़ीर आला होता है। वज़ीर आला दीगर मजलिस वज़रा के मेंबर की तकर। कानून साजी हकूक, गवर्नर रियासती मुकन्नना को जैसे अलग नहीं किया जा सकता, उसकी बिना पर उसे मखसूस कानून साजी अख्तियार मिलते हैं, जो सियासत मुकन्नना को बुलाने और मुलतवी करने का हक। ये सारी बात आप इसमें लिख देंगे। अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट अदालत आलिया के असल ओरिजिनल अपील करदा, असल और अपील करदा के दायरा अख्तियार बताएं। ठीक है, तो इसके दायरा अख्तियार जो है क्या है, 21वां सवाल है। 21वें सवाल का जवाब मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। असल दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को बास मुकदमों के सीधे तौर पर समाप्त करने का इख्तियार है। मरकजी हुकूमत एक या ज़्यादा रियासती हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात, दो या ज़्यादा रियासती हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात, इस तरह हुकूमत हिंद और एक या ज़्यादा रियासतें दूसरी तरफ एक या ज़्यादा रियासतों के दरमियान तनाज़ात,
इन सबको हल करने का जो सीधे तौर पर समाप्त कर सके। अपील दायर अख्तियारात क्या है? निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ आला अदालत के जरिए समाप्त और फैसले करने के अख्तियारात अपील दायरे के अख्तियार। सुप्रीम कोर्ट के आइनी दीवानी और नौजवादारी मुकदमे की अपील कोर्ट अदालती है, यह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाप्त कर सकती है। ये सारे अख्तियारात। इसके बाद है सियासी पार्टियों के जरिए इलेक्शन के दौरान किए जाने वाले कामों की वजाहत करें। वही इलेक्शन में जो जो काम होते हैं वो लिख दो। लोगों के लिए जलसे किए जाते हैं, लोगों को जो है झंडे दिए जाते हैं, लोगों के साथ जो है मिलकर उन्हें वोट के लिए खड़ा किया जाता है, अब लोगों को राज़ी करें, अपने काम गिनवाए जाते हैं, सारी बात आप सुन। अगला है फ़िरका परस्ती। 23वां, फ़िरका परस्ती और इलाका परस्ती कौमी इत्तेहाद के लिए क्या चुनौती? 23वां सवाल है और इसका जवाब मैंने यहाँ लिख दिया। फ़िरका परस्ती और इलाका परस्ती कौमी इत्तेहाद के लिए चुनौतियाँ जो हैं वो दर्ज है। फ़िरका परस्ती एक नहायत पेचीदा मसला है जिसका सामना हिंदुस्तान करता है। ये मसला तब पैदा होता है जब किसी एक मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने मजहब को ज़रूरत से ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरे मजहब को तई नफ़रत को फ़रोग देते हैं। इस तरह के एहसास मजहबी बुनियाद परस्ती और जुनून और तासुब को फ़रोग देते हैं, मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। इलाका परस्ती कौमी यकजहती यूनिटी में इलाकियत एक बड़ी रुकावट है। कई मौक़े पर लोग इलाके मफादात को कौमी मफादात पर फ़रोग देते हैं, इसी वजह से इलाका परस्ती कौमी इत्तेहाद के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसके बाद जो है 24वां सवाल है वो मांगे जो 24वां सवाल है वो मांगे बयान कीजिए। शुरुआती दौर में कांग्रेसी रहनुमाओं ने मोतदी कहलाते थे, बाद पहले 20 सालों में बरतानवी सरकार के सामने अरजदारों की शक्ल में पेश किए गए। तो भाई वो क्या थे वो यहाँ लिखे हुए हैं, देख लिया यहाँ से आप देख लीजिएगा क्या थे। 197 पे और 198 सारी बात है इसमें से लिखना, ठीक है जी। हालात जो कि टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा और मुझे और भी बनाना है आपके लिए। अब इसके बाद अगला सवाल मैं करा रहा हूँ कि उन तबी यानी फ़िज़िकल और समाजी मवाशी अमामिल की वजाहत करें जो हिंदुस्तान में आबादी की तकसीम और कसाफत को मुतासर करते हैं। तो ये रहे भाई मुतासर करने वाले अमामिल। ज़मीनी खदोखाल मुतासर करने वाले तीन अमामिल, ज़मीनी खदोखाल, आबो हवा और मिट्टी। ठीक है, ज़मीनी खदोखाल ऐसी है कि भाई जहाँ पे अच्छी ज़मीन होती है लोग वहाँ आबाद हो जाते हैं और जो आप ज़मीन ऐसी होती है वहाँ तकसीम हो जाते हैं। और दूसरा आबो हवा, अच्छी आबो हवा की भी ज़रूरत होती है हमें, जो आबादी घनेपन और तकसीम पर मुआफ़िक होती है, इंसानों के रहने के लिए आसानी पैदा होती है। मिट्टी, इंसान ज़रात के लिए मिट्टी को क्वालिटी पर मुनासिर होता है, ज़रख़ेज़ मिट्टी इलाकों में आबादी ज़्यादा होती है, सारी बात आप इसमें लिख दिए। अगला सवाल है 26वां, किसी जमहूरियत में आवाम की राय के रोल की वजाहत कीजिए। आवाम के राय की रोल की वजाहत कीजिए, कौन सा है 26वां। तो आवाम की राय की जो वो है वो दर्ज ज़ेल है। आवाम की आवाज़ या राय आम्मा को इस्तलाहत एक मफहूम है, जबकि इसके इस्तलाहत को मज़ीद मुताला करना आप समझ सकेंगे ऐसा नहीं। राय आम्मा आवामी मसाइल के मौजू पर आवाम के एक मनज़म और सोची समझी राय है। राय आम्मा के मुख्तलिफ तारीफ़ों की काफ़ी हद तक इसके खसूसियात का इजहार मिलता है। राय आम्मा ख्यालात का एक मजमूआ है, ख्यालात दलील पर मबनी होते हैं, इन ख्यालात का मकसद पूरी कम्युनिटी की फलाह को यकीनी बनाना है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये अपने पास से समझ के लिख देना। अब अगला सवाल है किन्हीं 5 अलामतों यानी इंडिकेटर्स की वजाहत कीजिए हिंदुस्तान में अदम मसावात को ज़ाहिर करते हैं। अदम मसावात को जो चीज़ें ज़ाहिर करती हैं वो ये है, फ़ी का सामदनी, फ़ी का सामदनी खत्ते में माशी सरगर्मी, मतलब कहीं कहीं ज़्यादा होती है कहीं काम होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई यहाँ पे काम कर रहा है शहर में तो उसको वो 500 रुपये करता है वही काम करके, और वही काम गांव में कर रहा है तो 300 रुपये मिलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है गरीबी, गरीबी जो है गुर्बत गिरावट का सबब बनी है। शहरी रियासती नाबराबरी, तालीम में
यकसा तालीम ना होना गांव में जो है स्कूल की कमी है सब बात काबिल में। और ये आखिरी सवाल है, नक्शा दिया हुआ है, इस नक्शे में इन चारों चीज़ों जैसे कराकुरम पहाड़ी सिलसिला, नर्मदा नदी, चाय की पैदावार, शपथ लेने वाला सूबा, रामचंदन और जंगली जिंदगी पाए, तो इस नक्शे में भरना था। मैंने भाई ये भरा हुआ दिखा दिया है, ठीक है। ए में यहाँ पे कराकुरम पहाड़ी सिलसिला है, ये आसाम में जो टी के लिए मशहूर है, नर्मदा नदी है, और आखिर में ये रामथनपुरी जंगलात की खिला। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको NIS से रिलेटेड एडमिशन कराना है या कोर्स गाइड चाहिए, नोट्स चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उर्दू में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9136138। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें।